नारायण 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 श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अथ त्रयोविंशोऽध्याय तेईसवां अध्याय अनु द्रोहियो तुर्वसो और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हेयाति नंदन, अनु के तीन पुत्र हुए, सभा नर, चक्षु और परोक्ष। सभा नर का काल नर, काल नर का सृंजय, सृंजय का जनमेजय, जनमेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, महामना के दो पुत्र हुए कुशी नर एवं तितिक्षु। कुशी नर के चार पुत्र थे शिवि, वन, शमी और दक्ष। शिवि के चार पुत्र हुए वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकेय। कुशी नर के भाई तितिक्षु के वृषद्रुथ और वृषद्रुथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, भंग, कलिंग, सुहम, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान और खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्य श्रृंग मुनि से हुआ। ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्य श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया, तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाश्व के बृहद्रथ और बृहद्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था सम्भूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रथ, धृतव्रथ का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुहियु से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहनी, वहनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने उरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत
राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के चार पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से शत्रजित का जन्म हुआ। शत्रजित के तीन पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हयहय। हयहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के दो पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के चार पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह सातों द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए, वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था भीतिहोत्र। भीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था ब्रिजिनवान। ब्रिजिनवान का पुत्र श्वाही, श्वाही का ऋषेकु, ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोग ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। 14 रत्न ये हैं: हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थीं। इस प्रकार उसके 100,000,000,000 संतानें उत्पन्न हुई। उनमें कृतुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। राजर्षि शशबिंदु महाराज की जय। उनमें कृतुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो: पुरोजित, रुक्म, रुक्मेशु, ऋतु और ज्यामघ।
ज्यामघ की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामघ के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोजिया नाम की कन्या हर लाया। जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामघ ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधु है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्र वधु कैसे हो सकती है? ज्यामघ ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामघ के इस वचन का विश्वेदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैव्या की साध्वी पुत्र वधु भोज्या से विवाह किया। सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण।